बंदी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, जीएसटी कमिश्नर को दिया ज्ञापन, पाबंदी रोल बैक करने की मांग। निर्यात बंदी हटाओ, निर्यात बंदी हटाओ। प्याज निर्यात पर अचानक पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नवंबई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल कौशिक के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जीएसटी आयोग से मुलाकात की और ज्ञापन देकर निर्यात पाबंदी को तत्काल हटाने की मांग की है। इस अवसर पर प्रदेश सचिव संतोष शेट्टी, अरविंद नाइक, बाबा साहेब गायकवाड़, प्रवक्ता नासिर हुसैन, महेश पाटिल और किशोर पाटिल समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला अध्यक्ष अनिल कौशिक ने कहा कि मोदी सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाकर किसानों और कारोबारियों के लिए नया संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने सवाल पूछा कि किसानों के उत्थान का दावा करने वाली भाजपा और मोदी सरकार बताए कि अचानक निर्यात रोकने से देश का कौन सा भला होने वाला है। उन्होंने निर्यात से तत्काल पाबंदी हटाने की मांग की है। जो भी धोरण ये केंद्र शासन मोदी सरकार लेके आती है, ये सब की सब जनता के हित में नहीं है और शेतकरी को तो ख़त्म करने का इन्होंने निर्णय ले लिया है। शेतकरी को पूरा सपोर्ट देने के लिए, उसको पाठिंबा देने के लिए पूरी कांग्रेस कमेटी, पूरा महाराष्ट्र प्रदेश, पूरा नई मुंबई आज जाहिर पाठिंबा किया है। मोदी साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि आज शेतकरी कोरोना की वजह से इतना ग्रसित है, जिसको आज पैसे पैसे के लिए मोहताज है, आज पैसे की जरूरत। अभी निर्यात बंदी को लेके आए लोग, अभी निर्यात बंदी हटानी चाहिए ताकि शेतकरी को ऊंचा रेट मिले। सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से जो कांदे के ऊपर, ओनियन के ऊपर, प्याज के ऊपर बंदी लेके आए हैं, उसके निषेध में हमने ये किया है। इसके लिए मैं पूरा जिला कांग्रेस कमेटी और APMC पुलिस के लोकल पुलिस ऑफिसर चौधरी मैडम, GST के अधिकारी, इनका मैं आभार मानता हूँ। और विशेषकर मीडिया जो पब्लिसिटी माध्यम से शेतकरी को सपोर्ट करता है, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। बता दें कि 14 सितंबर की सुबह देश के सभी बंदरगाहों पर प्याज का एक्सपोर्ट रोक दिया गया, जबकि नोटिफिकेशन देर शाम को जारी हुआ। बिना पूर्व सूचना निर्यात रोकने से नवंबई के JNPT समेत तमाम बंदरगाहों पर हजारों कंटेनर थम गए, जो मंदी के दौर में और मुसीबत बढ़ाने वाला है। उधर सरकार के सूत्रों का कहना है कि देश में प्याज की किल्लत और कीमतों में उछाल की आशंकाओं के चलते एक्सपोर्ट रोका गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।